भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कैंडल मार्च जामतारा इंदिरा चौक से कुंवर सिंह चौक तक किया गया। भाजपा नेता बीरेंद्र मंडल ने कहा कि जब से हेमंत की सरकार सत्ता में आई है, तब से पश्चिम सिंहभूम, गुमला एवं रांची जिले में आदिवासी भाई बहनों के साथ लगातार नरसंहार हो रहा है। राज्य भर में जनता दहशत में है। आए दिन रेप और बलात्कार हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। पूरे राज्य की जनता खौफ का माहौल बनता जा रहा है। जामतारा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष अनूप पांडे ने सरकार को घेरते हुए कहा, महिला बिल्कुल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। यह सरकार रोजगार देने का लालच देकर सत्ता में आई और सत्ता में आते ही युवाओं के साथ छल करने का काम किया। जिला महामंत्री भाजुमो चंदन राउत ने मंच संचालन किया। प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह, प्रदेश महामंत्री भाजुमो मनीष दुबे, नगर पंचायत उपाध्यक्ष चंदी चरण दे, अजय पांडे, अजनी तिवारी, प्रीतम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार झारखंड में बनी है, लगातार कानून व्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है। दिन दहाड़े हत्या हुई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी हत्या हुई, लेकिन उस पर आज तक किसी भी घटना, किसी भी मामले का उद्भेदन नहीं हुआ। पिछले दिनों गोड्डा की एक मेडिकल की छात्रा का बड़ा ही रहस्यमय तरीके से हत्या की गई, लेकिन सरकार उस विषय पर भी उदासीन रही, उसमें कोई खुलासा नहीं हुआ। साथ ही स्थानीय नीति और रोजगार नीति जो रद्द करने का काम झारखंड सरकार ने किया, ये पूरे तरह से स्थानीय शिक्षित युवा और युवतियों के साथ अन्याय करने का काम किया। इसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले।